इजी फिल्टर क्लीनिंग विंडो में ऐसे फिट कर सकते हैं कहीं पर भी जहां पर आप चाहें। नमस्ते एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वाले एयर कंडीशनर के बारे में, पोर्टेबल एयर कंडीशनर 1 टन का। लास्ट टाइम वाले जो वीडियो में बात किया था वो 0.1 टन का मॉडल था, उस पर आपने काफ़ी सपोर्ट दिखाया। सो ये वाला वीडियो हम लेकर आए स्पेशली इसीलिए बिकॉज वो वीडियो हमारा मोस्ट व्यूड वीडियो है। सो आज हम बात करने वाले 1 टन के इस वाले पोर्टेबल एयर कंडीशनर के बारे में। कंप्लीट आपको एक दिखाएंगे इस एसी के बारे में, आगे से पीछे से क्या इंस्टॉलेशन किट आती है इसके साथ में, और क्या आपको ये वाला एसी बाय करना चाहिए, किस कंडीशंस में बाय करना चाहिए। सो यार, ये एसी 1 टन का पोर्टेबल एसी है, सिंपल सा। इसी के अंदर इंडोर यूनिट है, इसी के अंदर आउटडोर यूनिट है, इसके अंदर व्हील्स भी इंस्टॉल्ड आते हैं। चला के देख लेते हैं इस वाले वेरियंट को एक बार कि कितना पावरफुल है ये वाला वेरिएंट। जो एयर फ्लो है वो इसका लास्ट मॉडल से काफ़ी ज़्यादा था, बिकॉज ये 1 टन का एसी है, 120-140 स्क्वायर फिट तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से 100 स्क्वायर फिट तक ही आप ये वाला एसी कूलिंग प्रोवाइड करेगा आपको। और बेहद कमाल का मॉडल है, लुकिंग वाइज भी शानदार प्रीमियम प्रोडक्ट है, जैसा कि ग्री के प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट एकदम। और ग्रे कलर का पूरा यहाँ पर फिनिश हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर ऊपर हमें देखने को मिल जाते हैं कंट्रोल्स, और ये क्या कमाल की ठंडी हवा प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ से। विंडो एसी में आती है, टू बी स्पेसिफिक, विंडो एसी वाली फीलिंग आ रही है, प्रॉपर विंडो एसी वाली। अभी ये इंस्टॉल्ड नहीं है, यहाँ पर गर्म हवा जो पीछे से निकलती है उसका एक स्पेसिफिक पाइप आता है, वो आपको दिखाएंगे। वो इंस्टॉल होने के बाद इसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है, बिकॉज गर्म हवा को फ्लो मिल जाता है। ये तो डेफिनेटली अगर छोटे एरिया में जहाँ पर स्प्लिट एसी नहीं इंस्टॉल हो पा रहा है, जहाँ पर विंडो एसी नहीं इंस्टॉल हो पा रहा है, उस जगह के लिए ये वाला एयर कंडीशनर आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सो आइए दिखाते हैं इसके साथ क्या क्या अवेलेबल है। देखने को मिल जाता है हमें कुछ एसेसरीज, एक ये जो इसके अंदर इंस्टॉल होगा, एक ये जो विंडो में फिट होगा, और ये वाला बड़ा सा पाइप। सो आइए इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कि कैसा इसका रहता है। सो स्पाइरली इसको, पाइप को इजीली आप खुद होम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, किसी बाहर के बंदे की ज़रूरत भी नहीं, इतना इजी इसका इंस्टॉलेशन रहता है। इसके स्पाइरल्स को ओपन करके बस इसको आपको स्वर्ल कर देना, जैसे एक स्क्रू को कसते हैं हम, वैसे इसमें टर्न्स दिए हुए होते हैं अंदर से। सो वो टर्न्स को इसमें कस देना है। सो ये वाला पार्ट हो गया इंस्टॉल यहाँ पर, और सिमिलरली ये वाले पार्ट को हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है। सो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। इसके साथ में ये विंडो की पेन भी मिल जाती है, उस पर ये नेट वाला फिनिश दिया हुआ होता है। सो ये वाला पार्ट इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा, एंड इसको आप इजीली विंडो में ऐसे फिट कर सकते हैं कहीं पर भी जहाँ पर आप चाहें। इसका आपको इंस्टॉलेशन करवाना रहेगा विंडो पेन का, उसके अलावा ये कम्प्लीटली पोर्टेबल एयर कंडीशनर है। सो यार, हमने देखा ये बेहद कमाल का पावरफुल पोर्टेबल एसी 1 टन का, बहुत अच्छा फीडबैक आता है इसका, बिकॉज ये 1 टन का मॉडल है, पावरफुल मॉडल है, एरिया कवरेज वाइज भी काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है ये वाला मॉडल, लुकिंग वाइज भी काफ़ी लग्जरियस मॉडल है, प्रीमियम। 40 किलोग्राम्स इसका वेट है, मतलब आप सोच सकते हैं कितनी हैवी मशीन है ये। जैसा कि आप जानते हैं ग्री वाले बनाते ही हैवी मशीन है, ब्लू फिन्स की इसमें फिन्स दी हुई है, ये हीट आउटलेट यहाँ से, ये ऊपर का एक तरीके से आप मान सकते हैं इंडोर यूनिट, इवेपोरेटर यूनिट ब्लू फिन वाला, ये कंडेंसर यूनिट, इसके अंदर कंप्रेसर भी होगा, ये भी ब्लू फिन्स में दिया हुआ है, बेहद शानदार मॉडल। सो यहाँ पर ये पानी का पाइप इंस्टॉल हो जाएगा,
पानी निकलने का इसमें ऐसा सिस्टम रहता है कि इसमें स्टोरेज टैंक रहता है, जो स्टोरेज टैंक है वो फिलअप हो जाएगा, एसी कूलिंग करना बंद कर देगा और यहाँ पर कोड लिखा आ जाएगा H8 का, एंड वो जो आउटलेट है वहाँ पर एक पाइप इंस्टॉल होता है छोटा सा इस तरीके का, वो पाइप इंस्टॉल होने के बाद वहाँ से आप इस एसी को एक ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ पर पानी निकालना ईजी हो। उस पाइप को जैसे ही आप नीचे करेंगे उसमें सारा पानी आउटलेट से बाहर निकल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सर्विसिंग वाइज आप इसकी सर्विस भी करवा सकते हैं, प्लस इसके फिल्टर्स यहाँ पर इसके फिल्टर्स दिए हुए हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको निकालने पे ये वाला फिल्टर एक और ये दो फिल्टर्स आपको क्लीन करने के रहेंगे एवरी फ्यू मंथ्स में, और जैसे यहाँ पर इस पर धूल मिट्टी जम जाती है कूलिंग थोड़ी सी इफेक्ट होने लगती है बिकॉज ब्लॉक हो जाती है धूल मिट्टी के कारण, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, हवा ब्लॉक होती है इसीलिए ही ये फिल्टर्स लगाए जाते हैं ताकि जो फिन्स है वो गंदी ना हो। तो ये फिल्टर्स आपको क्लीन करने रहेंगे, बहुत ही इजी फिल्टर्स यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। पहले ये वाला फिल्टर जो साइड में लगा हुआ है पहले ये अंदर जाएगा इस तरीके से, एंड फिर ये वाला कर्व फॉर्म में जो फिल्टर लगा हुआ है वो यहाँ से ऐसे ईजीली अंदर चला जाएगा एंड ये यहाँ पर जाके फिट हो जाएगा। सो बहुत ही प्रीमियम और लग्जरियस मॉडल है और बेहद इजी टू यूज़, इजी फिल्टर क्लीनिंग, फिन्स वगैरह साफ़ करवा सकते हैं लेकिन ये फ़िल्टर साफ़ करने से भी काफ़ी अच्छा रहता है, और बेहद कमाल का मॉडल है, शानदार लग्जरियस 1 टन का ग्री पोर्टेबल एयर कंडीशनर। बिलवाड़ा राजस्थान में इस टाइप के एसीज बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।